हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो जो कि है विंटर से रिलेटेड, विंटर स्किन केयर, जो कि आपके स्किन को देगा मॉरिश करेगा, सफल बनाएगा। और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विंटर के टाइम पे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं किस किस प्रोडक्ट का किन किन प्रोडक्ट्स का यूज़ करने वाली हूँ। गाइस, प्रोडक्ट इन द सेंस ये सारी चीज़ें आपके आपके किचन में अवेलेबल है, बहुत ही ईजिली आपके किचन में सारे के सारे सामान आपको मिल जाएंगे। तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेते हुए मैं अपने स्किन की जो है वो विंटर केयर स्किन रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। और फेशियल एक तरह से बोला जा सकता है, ये फेशियल करने वाली हूँ मैं। तो इस फेशियल को किस तरह से मैं करूँगी आप ये पूरी वीडियो देखिए। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और इतनी मेहनत से जब मैं वीडियोज बनाती हूँ फ्रेंड्स, जरूर लाइक करिए। लाइक करना आप भूल जाते, प्लीज लाइक जरूर करिए। मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक मुझे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिया है रॉ मिल्क, कच्चा दूध, और इसे कॉटन में लेना है और अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना है। रॉ मिल्क में होता है विटामिन बी, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें भर भर के होते हैं। और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं उसे नरिश करता है, डीपली इसे क्लींस करता है, कि हमारे स्किन के हमारे स्किन पर मॉइस्चराइज हमेशा ये बनाए रखता है। और ये ऑयली स्किन ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें इसके जो सीबम्स होते हैं स्किन के पोर्स को टाइटन एंड लार्ज पोर्स को टाइटन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने बैंड लगा ली है ताकि मेरे बालों पे ना लग जाए। यहाँ पे मैंने रॉ मिल्क लिया है एंड राइस फ्लोर लिया है, बादाम ऑयल लिया है एंड ग्लिसरीन लिया है। तो इनके गुण हम देख लेते हैं। तो रॉ मिल्क में होता है विटामिन बी, एंटी ऑक्सीडेंट स्किन जो हमारी करता है, नॉरिश करता है, क्लींस करता है हमारे स्किन को। राइस फ्लावर में होता है स्किन रेडियंट ग्लो करने के लिए। राइस फ्लावर इज़ वेरी हाईली बेनिफिशियल, लस्टर्स एंड टॉट होते हैं इसमें। राइस फ्लावर में एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो सनबर्न के लिए बहुत बेस्ट होता है। बादाम का तेल आप ज़रूर डालिए, इससे आपका स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहेगा। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। और ये बहुत ही हील करता है आपके स्किन को, चैप्ड या फिर इरिटेटेड स्किन होती है ना, इरिटेशन होती है, तो उससे भी आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो अच्छी तरह से हमें मसाज कर लेना है। एंड यस, मैंने इसमें डाला था ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर स्किन। हमारे ऑयली स्किन है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। लॉक करता है आपके स्किन के मॉइस्चराइज़र को, तो हाइड्रेट करता है आपके स्किन को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्लिसरीन और बादाम का तेल आप ज़रूर डालिए। और यहाँ पर मैं कच्चे दूध को लेकर ही अच्छी तरह से अपने स्किन पर स्क्रब कर रही थी। और ये आपके स्किन को सूदिंग देता है गाइस। सो दिस इज़ वेरी परफेक्ट फॉर विंटर सीजन के लिए फेशियल। सो स्टेप थ्री गाइज, मैंने यहाँ पे लिया है स्टीम लेने के लिए। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसमें इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल में होता है एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि हमारे स्किन की और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2-3 ड्रॉप जो है उसे डाला है और अच्छी तरह से स्टीम ले रही हूँ। तो स्टीम का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही बेस्ट होता है, स्टीम लेना चाहिए हमें। और विटामिन सी वाली ली है जो मैंने, कि कोलेजन करती है हमारे स्किन को एंड ब्लड फ्लो बहुत ही अच्छा करता है, एंटी एजिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है ये। और बाकी के यहाँ पे मैंने स्टीम लेने के बाद, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, और ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स जो होते हैं उसे रिमूव कर देना चाहिए। मेरे पास कोई टूल नहीं है, मैं यहाँ इसलिए ये वाली टूल यूज़ करके इसे रिमूव किया है। सो फोर्थ स्टेप में आ गए हैं हम, और हम बनाएंगे यहाँ पर फेशियल क्रीम। तो यहाँ पर मैंने विटामिन ई के कैप्सूल ली है, एलोवेरा जेल लिया है, और बादाम के तेल को ऐड करना है और इसे प्रॉपरली अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अपने फेस पे इसे अच्छे से मसाज देना है। तो सर्दियों के टाइम में स्किन जो हो जाती है बहुत ही हार्श, तो बादाम का तेल आप बिल्कुल ना भूलिए, इसमें ज़रूर ऐड करिए। विटामिन ई ऑयल जो होता है कैप्सूल मैंने यहाँ पर लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मॉइस्चराइजिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हीलिंग करता है हमारे स्किन को। हमारे स्किन के जो बैरियर्स होते हैं फंक्शन, उन्हें स्ट्रेंथन देने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इसमें विटामिन ई में एक्चुअली होता है नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो हमारे स्किन को सूदिंग एंड काम करने के लिए बेस्ट माना जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बना लेते हैं फेस पैक को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है बेसन और
यहाँ पे वीट फ्लावर लिया है, उस पर ऐड करना है अम्बा हल्दी जो कि 1 टेबल स्पून ऐड करना है, एंड हनी ऐड करना है और कच्चा दूध रॉ मिल्क ऐड करना है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने जितना मुझे यूज़ आएगा मैं उसी अकॉर्डिंग मैंने ये बनाई है पेस्ट को, और अच्छी तरह से इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। सो गाइस, जो हमारी बेसन होती है ना, बेसन एक्चुअली रिमूव करता है आपके डर्ट्स एंड टॉक्सिन्स को बहुत ही डीपली, रिमूव करता है, बहुत ही अच्छी तरह से आपके स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, एंड एक्सेस ऑयल जो होते हैं ना फेस से वो निकाल देता है, और ये बहुत ही अच्छा होता है बेसन। आप ज़रूर ट्राई करिए एवरी डे, एक मेरी वीडियो है उसे आप ज़रूर चेक कर लीजिए। यस, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऐसी बनाई है, बट यस फेस विंटर स्किन केयर वाली जो वीडियो है ना वो ज़रूर आप लोग चेक करना, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है आप लोगों के लिए। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कॉमेंट करके बताना। ये वाली जो ये है मेरी विंटर स्पेशल फेशियल केयर, जो आप अपने घर पर ही कर सकते हैं, इसी तरह से आपको नेचुरल इन्ग्रीडियंट से फेशियल करना होता है विंटर टाइम पे, तो ज़रूर आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ।